ओके गाइस, ये वाला जो एरिया है यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, ये तो सारा साफ हो गया है, काफी आगे कर दिया है। अब ये चेयर पे पूरी स्नो जो है वो पूरी तरीके से जम चुकी है, ये देखो जैसे कि। तो अभी इसको साफ करते हैं। Hey everyone, कैसे हो आप लोग सब? वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी माला एंड यूर वॉचिंग माला सेमी ब्लॉग्स। और आज फिर स्नो फॉलिंग जो है दोबारा से स्टार्ट हुई हुई है, और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है सारी स्नो साफ़ करना। जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपने ब्लॉग में बताया था कि आप लोगों ने अगर स्नो का मज़ा लेना है तो इसको साथ साथ क्लीन अप भी करना है। तो अभी हम करने लगी हैं, हमारा ये एरिया है, ये सारा एरिया फुल है। सो अभी हम इसको आधे में जो है वो करेंगे साफ। और हमारे पास जो है ये है जी स्नो शफलिंग वाला, तो अभी हम इसे करेंगे साफ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। अब ये चेयर पे पूरी स्नो जो है वो पूरी तरीके से जम चुकी है, ये देखो जैसे कि। तो अभी इसको साफ़ करते हैं और मोबाइल को फिक्स करती हूँ ताकि फिर अगर मैं साफ़ करूँ तो आप लोग भी देखो कि कितनी मेहनत लगती है। ये वाला जो एरिया है यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, ये तो सारा साफ हो गया है, काफ़ी आगे कर दिया है। अब हम यहाँ का एरिया करेंगे, ये वाला जो हमारा जहाँ से एंट्रेंस है। तो अभी यहाँ से साफ करते हैं। ये बकेट है, इसके अंदर पूरा पानी है, ये देखो ये पूरा आइस बना हुआ है। तो ये भी सही फ्रीज हो गया, बाहर की जितनी भी चीज़ें ना सब फ्रीज हो गई हैं। अब इसको ढक के यहाँ रखेंगे। ये देख रहे हो गाइस, ये वाला ये कारपेट है, ये कारपेट है जो कि बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो आपकी तो पूरी एनर्जी होती है, वो लगती है और सांस लग गया, स्नो फॉलिंग भी शुरू हो चुकी है फिर से। इधर का यही हिसाब होता है कि अगर आप क्लीन अप कर रहे हो तो देख, जैसे कि साथ में फिर से स्नो फॉलिंग हो रही है तो ये फिर से फुल हो जाएगा। बट इसका एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताती हूँ। देखो गाइस, जस्मिन का हाल पूरी पूरी फ्रीज हो गई है, मतलब बाहर जितनी भी चीजें रखो सब फुल हो रही है। ये हमारे डस्टबिन है, तो ये भी फुल हो गई है। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे? ये कवर है डस्टबिन का जो कि बिल्कुल जम चुका है, तो इसको हम डस्टबिन के ऊपर रख देंगे ताकि ये फिर से। ओके, तो हम ये वाला एरिया करेंगे जो मेन हमारा एरिया है घर के बाहर वाला।
मैकेनिक का जो है और रिसाइकल, ये तो बहुत ही खुले। तो मैं बताई थी कि ये जो डस्टबिन है इनको बाहर ही रखना होता है। यहाँ पर पानी था तो ये पूरी आइस बन गई, ये देख रहे हैं आप, ये आइस है पूरी ये। तो अगर आप पानी तो ऐसे ओके, तो साफ तो मैंने सारा कर लिया है। अब इसके अलावा जो है कुछ कुछ रहता है और अभी तक स्टिल सोफा नहीं बनी भी है। जैसे कि आपका ये जगह फुल ना हो फिर से तो उसका बेस्ट यही सोल्यूशन है कि ये आप सॉल्ट ले, ये होती है सब पे पता होगा, ये सॉल्ट होती है, सॉरी ये सॉल्ट होती है, जहाँ जहाँ पे बर्फ़ आपको लगता है कि आ रही तो आप वहाँ वहाँ पे डाल दें, जैसे कि मैं भी डाल दूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ हमारे इस एरिए में जो है ना बर्फ़ नहीं होगी, ये हम गाड़ी के जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है हम उधर भी इसको डाल देते हैं और वो एरिया जो है वो बिल्कुल सेफ रहता है। और अब मैं एंट्रेंस में डालती हूँ, ओके तो आपने इसको ऐसे डालते हैं, ज़्यादा मत डालना क्योंकि ये बहुत महंगा आता है पूरा पैकेट, और आपने ये पूरा पैकेट जो है यूज़ करना होता है, तो बेस्ट यही है कि आप ज़्यादा मत डालो और तो उसको डाल दो। तो अभी जैसे स्नो होगी कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे कि इस पे स्नो अभी बैठी है कि नहीं बैठी है। तो ये बाहर के हालात कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई और हम लोगों ने कल जैसे कि सॉल्ट डाली थी, तो ये देखो कुछ परसेंट जो है बर्फ़ इसमें आई हुई है। वही ऊपर वालों का जैसे कि घर है तो हमारा जितना एरिया होता है क्लीनिंग का तो हमारा लाइक यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको दिखाती हूँ। तो हमारा एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है, हमें यहाँ से क्लीनिंग करनी होती है। तो ये रूल भी होता है कि जो ऊपर वाले होते हैं उनका अलग से एरिया होता है साफ़ करने का, और जो नीचे बेसमेंट में रहने वाले हैं उनका अलग से होता है। तो यहाँ से ये पूरा एरिया आपने साफ़ करना है अपने लिए, और ये हमारा आगे से एरिया स्टार्ट हो जाता है जो कि मैंने अभी साफ़ किया है। तो ये ऊपर वालों का, तो ऊपर वालों का ये इसमें काउंट नहीं होता कि ये हमारा ये वाला भी कर रहे हैं। हाँ अगर बहुत अच्छे हों तो वो कुछ कर भी देते हैं, जैसे कि हमारे बहुत अच्छे हैं तो वो कर देते हैं, इससे जैसे कि हम उनका जो है ड्राइव थ्रू वो भी सब कुछ क्लीन कर देते हैं, और कभी कभार वो हमारा भी कर देते हैं विच इज़ वेरी गुड। तो अच्छा है कि मिल मिला के आप एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे का साथ दो तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। और ये सारा फुल एरिया तो ये भी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पाथ पूरा क्लियर है। तो यहाँ पे भी छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं जो पूरी रोड को साफ़ कर देती हैं, तो वो ये साइडों को बस साफ़ करके पूरा निकलती हैं और साइड पे जो है सारी बर्फ़ को वो छोड़ देती हैं। तो साइड पे बर्फ़ छोड़ने के बाद थोड़ा सा नुकसान ही होता है कि आपकी जैसे गाड़ी निकलनी होती है रोड पर, तो यार ये जो है ना ये बहुत तंग करता है, ये पूरा एक बंच बर्फ़ का यहाँ पड़ा होता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से निकलना पड़ता है। तो सभी लोग तकरीबन अपना ड्राइव थ्रू जो है वो साफ़ कर रहे हैं और कर चुके भी हैं, तो सबके जो ड्राइव थ्रू हैं वो बहुत ही साफ़ लग रहे हैं। और हमारा ये ट्री है इसे थोड़ी सी हेल्प की हुई है कि हम इसके नीचे खड़े हो सकते हैं, बट हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, और मेरा लिटरली फेस जो है वो पूरा सुन हो चुका है, तो मैं इसलिए देख भी नहीं पा रही हूँ कैमरे में, इतनी शदीद स्नो फॉलिंग हो रही है। तो ये है जी आज का व्यू, और आप जैसे कि देख रहे हो कि भाई कनाडा जिसको बहुत शौक है विंटर्स में आने का, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए कनाडा। तो ये अपने माइंड में रख के आइएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें भी चलती हैं, यहाँ पे आप लोगों ने ये काम भी करना है, सिर्फ बैठना या रेस्ट वगैरह नहीं करना, आप लोगों ने ये जो ज़्यादा मेन, और इस चीज़ से तो ज़्यादा मेरी जान जाती थी, लाइक मैं बहुत घबराती थी, मैं कहती थी मुझे नहीं शौक है ये सफाई करने का, बट क्या करें दोनों पार्टनर्स को करना पड़ता है और मिलकर ही आपको ये काम आसान हो सकता है। अब इनका अगर आप कवर उठाएं तो ये देखो बर्फ के गोले, आइस पूरी बन गई है, तो ये देखो ये बर्फ का, और हम इसको अभी मेरे बच्चे जो है वो नीचे लेते हैं वरना उनको हो के मम्मा फिर से बर्फ इसको ऐसे। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा आज का, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरह जो है स्नो को साफ़ किया जाता है, और स्नो को जब साफ़ कर लें और उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं जिस वजह से आप चाहते हैं कि बर्फ़ ना पड़े,
तो सॉल्ट का भी मैंने बता दिया। आई मीन सबको पता ही होता है लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता। सो मेरा हो रहा है बहुत बड़ा हाल, फेस मेरा पूरा स्वेल हो चुका है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक और वीडियो में और एक और न्यू कंटेंट के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके प्रेस कर दो सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।